अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ न्यू डे, अ न्यू शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस। और जाहिर सी बात है जो मेन डिस्कशन और मुद्दा इतने महीनों से जिस पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ एशिया कप का कब अनाउंसमेंट होगी, वर्ल्ड कप की कब अनाउंसमेंट होगी। मगर आज इस आज के एपिसोड का मेन मुद्दा क्रिकेट नहीं होगा। हम नेशनल गेम्स जो कि चंद दिन पहले जिसका इख्तिताम हुआ और क्वेटा में खेले गए, 19 साल बाद जो है बलूचिस्तान में नेशनल गेम्स खेले गए, फिर से दी 34th नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। मेजर फोकस हमारा जो है उस पर ही होगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के एक मेजर रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे, मगर आगे जाके आपको शो में उनके हवाले से बताएंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। सो आज के शो में हम डिस्कशन करेंगे कि नेशनल गेम में जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इश्यूज हैं उसका प्लेयर्स पे कितना इम्पैक्ट हुआ, हमारे अपने इमेज पे कितना इम्पैक्ट है, और आगे होने वाले इवेंट्स के लिए हमारे प्लेयर्स कितना नेगेटिवली सोचते होंगे। जो पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स इतने मुश्किल से अरेंज होते हैं और उसमें इतने सारे ऑर्गेनाइज होने में इश्यूज होते हैं, उसके हवाले से। सो शो का आगाज़ करते हैं, व्हाट्सएप सेगमेंट का स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू सवेरा। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, क्या चल रहा है, क्या है ताज़ा तरीन खबर? और जिस तरह मैंने आपको कहा था, एशिया कप वो एक वो मुद्दा है जिस पर हम शायद पिछले कोई 10 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो घड़ी करीब आती आती दिख रही नहीं, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट यस एक दो दिन में जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी। सो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल बिलाखिर जो है वो बीसीसीआई ने तस्लीम कर लिया है एंड पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप का बाज़ाब्ता ऐलान एक दो रोज़ में मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 4 से 5 मैचेस खेले जाने का इम्कान है। 4 से 5 मैचेस वो होंगे जो कि ग्रुप ए जो है, जिसमें नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, वो यहाँ पे खेल के अपने ग्रुप का एक और मैच एक्स्ट्रा खेल सकेंगे, मगर अभी तक 4 की बात है, 5वां भी हो सकता है। बकिया मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान में मैचेस खेलने के बाद टीमों को चार्टर्ड फ्लाइट से श्रीलंका रवाना किया जाएगा। अगली खबर है क्रिकेट के मैदानों से, और भारत को जहां अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 बार वो हार चुके हैं और उनकी टीम आईसीसी के वो इवेंट्स नहीं जीतती, लेकिन उनकी सारी दुश्मनी पाकिस्तान की तरफ होती है। पाकिस्तान और भारत जो है वो ऑब्वियसली एशिया कप किस तरह होना है उस पर एक अलग फाइट चल रही है, वर्ल्ड कप में जाके किस तरह कौन से ग्राउंड्स में पाकिस्तान ने मैचेस खेलने वो अभी सब्जेक्टिव है, लेकिन भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जेंटलमैन्स गेम भी दागदार करने को तैयार है। हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया से जानबूझकर गलत खबरें नशर करवा रहा है, और हमने अपने शोज़ पे भी देखा कि वहाँ का मीडिया स्टार्ट से ये कह रहा है कि ये पूरा इवेंट श्रीलंका में होना है, लेकिन अगेन अगर हाइब्रिड मॉडल सॉल्व होता है, हाइब्रिड मॉडल होता है तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो रहे होंगे। सो भारतीय मीडिया हाइब्रिड मॉडल तस्लीम ना होने से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान के मजबूत मौकफ के आगे भारत को घुटने टेकना पड़े जी। तो अब बात करते हैं एक बहुत बड़ा सेटबैक और कीवी टीम को, यानी न्यूजीलैंड को जो सेटबैक हुआ वर्ल्ड कप के लिए। सो यस, कीवी टीम के मेन खिलाड़ी जिनको जो है जो अब जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल जो हैं वो इंजरी के सबब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ब्रेसवेल T20 ब्लास्ट में वॉस्टरशायर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनकी तरफ से बैटिंग करते हुए इंजर्ड हो गए। एडी की इंजरी के बायस ब्रेसवेल 6 से 8 महीनों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग सेटबैक फॉर टीम न्यूजीलैंड। और हमारे भी बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, सो उम्मीद करते हैं कि हमें कोई इंजरीज का सामना ना हो, होपफुली। अगली खबर भी क्रिकेट के हवाले से है, और जिस तरह हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को वन साइडेड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हराया, तो ऑब्वियसली रैंकिंग में उनके प्लेयर्स ने ऊपर होना था, बैटिंग में top 3 रैंकिंग उनकी तरफ से है। सो ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की इजारादारी, top 3 पोजिशन पर ऑस्ट्रेलियंस विराजमान हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशे बदस्तूर पहली पोजिशन पर बरकरार हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ एक दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं, और ट्रेविस हेड जिन्होंने जो मैन ऑफ द मैच भी थे फाइनल के, वो 3 दर्जे तरक्की के बाद
थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हैं। सो टॉप थ्री पोजीशंस ऑस्ट्रेलिया की हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम एक दर्जे तनजुली के बाद पांचवें और इंग्लैंड के जो रूट जो हैं वो चौथे नंबर पर हैं। बॉलर्स रैंकिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ना खेलने वाले रविचंद्र अश्विन जो हैं वो पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। इसीलिए शायद भारतीय मीडिया काफ़ी प्रेशर भी कर रहा है कि अश्विन क्यों ना मैच खेले, बिकॉज वो टॉप बॉलर हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में। और बॉलर के रैंकिंग्स में पाकिस्तानी शाहीन शाह आफरीदी का पाँचवा नंबर बरकरार रहा है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। ये थी आज की ताज़ा खबरें और वाकई बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो सवाल उठे हैं फैसल के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में। How can you ignore Ashwin? Because Ashwin को तो conditions की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी अपनी abilities ऐसी हैं कि he just maneuvers it, चाहे conditions उनको favor कर रही हों, pitch पे support मिल रहा हो spinners को के ना मिल रहा हो, but Ashwin जो है वो फ़ायदा उठा लेते हैं। and then leaving out Ashwin was a very very bad decision by the management. बिल्कुल सही बात है, जब आप ranking को देखते हैं। उसके अलावा अगर Ashwin को लेके देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोहली की जो कप्तानी गई है उसमें भी इसका बहुत हाथ रहा है, बिकॉज अश्विन हैज़ ऑलवेज बीन और इन द लास्ट 3-4 years ही हैज़ बीन अ टॉक ऑफ द टाउन इन टर्म्स ऑफ के वेदर ही शुड बी इन द टीम, चाहे वो ODIs की बात हो चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हमें लगता है कि ही शुड हैव बीन इन द टीम। और जिस तरह सेकेंड इनिंग्स में जडेजा ने 4 विकेटें ली और जयदेव ने 3 ली, लायन ने 4 विकेटें ली, तो बनता था कि एक और स्पिनर होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन जो है टेस्ट क्रिकेट में अगर उनकी पोजीशन टॉप की है तो वो इंडियन विकेट्स की वजह से है, जहां पे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो यहां की विकेट पे ओवल में शायद वो पहली इनिंग में बिल्कुल ही यूज़फुल ना होते। और जिस तरह टॉस जीत के पहले बैटिंग कराई गई उसका भी मकसद ये था कि आखिर में स्पिनर शायद इतना यूज़फुल नहीं होगा। सो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रेटजी वाइज सही था, लेकिन जो उनकी टेस्ट में रैंकिंग है उसके हवाले से क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि ही शुड हैव बीन इन द टीम। नहीं, अश्विन को जिस तरह आपने कहा ना कि बिल्कुल ठीक है घर में जो कंडीशंस मिलती हैं वो तो मिलती हैं, मगर बाहर की कंडीशंस में अश्विन हैज़ बीन इफेक्टिव। मैंने कहा ना उनको मेजरली कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती। एंड देन वी टॉक अबाउट द रिप्लेसमेंट दैट वी सॉ, मतलब उमेश यादव को अगर आप 4 पेसर्स खिला रहे हैं और उमेश यादव को, या तो आप उमेश यादव की जगह नटकट को खिला लेते तो आपको एक लेफ्ट आर्मर मिल जाता, उसका एक सपोर्ट मिल जाता, एक डिफरेंट वो हो जाता। मगर अब जब बोलर्स आपने देखे तो इंडिया की बोलिंग में सबसे बड़ा मसला ये था कि इट वाज सिमिलर। Yes. सारे बोलर्स जो हैं, अगर शमी और सिराज प्रेशर डालते थे एक तरफ से तो दूसरी तरफ से उमेश यादव जो हैं वो उस प्रेशर को रिलीज कर देते थे। सो उमेश यादव का कोई आपको रोल नहीं देखा, तो शायद उमेश यादव की जगह आप 2 स्पिनर्स खिला लेते शायद कोई फर्क पड़ जाता, बट इफ एंड बट्स तो चलते ही रहे। बिल्कुल सही बात है ले, और आपकी बात जैसे कल के शो में आपने जरूर कहा था कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इतना सटल है, जैसे हम कल बॉलर की बात कर रहे थे कि एक बॉलर आता है वो इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है तो उस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि भैया क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, लेकिन इंडिया का भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत है, उसमें रणजी ट्रॉफी इतना ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, उसमें प्लेयर्स को इतना अच्छे रेम्यूनरेशंस मिलती हैं, लेकिन वहाँ से वैरायटी ऑफ बॉलर्स का ना आना इज़ सीरियसली अ क्वेश्चन। और इट्स नॉट जस्ट बॉलिंग, मुझे लगता है कि बैटिंग में भी, और वो हमने देखा कि मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा भी और द्रविड़ ने भी एक्सेप्ट किया कि न्यू ब्लड हैज़ टू कम इन टू इंडियन टीम, ताकि यू नो एक तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत हो और आपके जो पुराने प्लेयर्स हैं देव नॉट बीन डिलीवरिंग। सो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी यू नो लुक्ड इनटू बाय द इंडियन साइड। बॉलिंग में भी काफी मोनोटनस थे और बिल्कुल सही बात है, 4 पेसर्स आपके एक ही तरह के थे और बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज अब जो है अब देखें, अब इंडियन मीडिया भी इस बारे में बात कर रही है, इट्स नॉट जस्ट के क्या निकल कर आ रही है लॉट, किस तरह नर्चर हो रहे हैं प्लेयर्स, साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल, बिकॉज देखें व्हेन वी टॉक अबाउट बीसीसीआई बीइंग द रिचेस्ट बोर्ड राइट नाउ, द बिगेस्ट बोर्ड इन दिस क्रिकेटिंग फ्रटर्निटी, तो फिर यू वांट एवरीथिंग टॉप नॉच। मतलब अगर हमने अहमदाबाद में मैच होते हुए देखा और अहमदाबाद में अगर बारिश हो गई है और हमें लोग हेयर ड्रायर से सुखाते हुए पिचेस दिख रहे हैं तो वो सवालिया निशान उठेगा कि इतना अमीर बोर्ड, एंड जिस तरह हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं दोज पिच हीटर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दोज, BCCI can have it any day, any time. So, उस पे सवाल उठते हैं। फिर अब जो सवाल मेजरली उठ रहा है वो उठ रहा है कि इनका जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा सवाल है। बुमराह फिट होकर बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, अनफिट होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, मगर मतलब जो प्लेयर फिट होकर आता है वो फिर अनफिट हो जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है दैट टीम इंडिया इज फेसिंग, एंड
बहुत ज़रूरी है कि अब इनको उस पर देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर फैसल अब इस बात का होगा दैट दिस वर्ल्ड कप इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड इंडिया को इवेंचुअली, वो कहते हैं ना जी, कहीं दिख रहा है कि ICC ट्रॉफी का जो एक एक काल पड़ा हुआ है उनके पास आफ्टर MS धोनी, अब कुछ मौका है। अगर ये मौका इन्होंने गवा दिया तो द फैंस वुड बी डिजेक्टेड। एब्सोल्युटली, कल अगर आपको याद हो हमने जो एक मैच, टेस्ट मैच खत्म होने के बाद जो इंडियन फैंस का हमने रिव्यूज लिए थे, उसमें बड़ा क्लियरली वो अग्रेशन दिख रहा था, वो सेंटिमेंट्स दिख रहे थे कि इंडिया की टीम जो है वो ICC इवेंट्स में अच्छा नहीं कर रही है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर ICC इस वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जीतता तो आई थिंक इंडिया के बैक टू बैक दूसरा भी सुपरस्टार कैप्टन उनका चेंज होने की तरफ सिचुएशन जाएगी, बिकॉज रोहित शर्मा और फिटनेस की आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर आप इंडिया के 11 को देखें तो उनकी फिटनेस काफ़ी, मुझे लगता है, इंडिविजुअली मैनेज हो रही है। विराट कोहली इज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। उसके बाद आप अगर रोहित शर्मा को देखें या आप यादव को देखें, बड़ी डिफरेंट उनका फिटनेस के लेवल्स हैं। बहुत चेंज हो गई चीजें। जब विराट कोहली कप्तान थे एक फिट इंडियन टीम दिखती थी, फिटनेस का लेवल जो है वो सारे लड़कों में रिफ्लेक्ट करता था। विराट कोहली जैसा ऐसा लगता था कि सब में शायद जिम में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन कितने स्क्वाट्स करेंगे तो कौन क्या करेंगे, मगर एज सून एज रोहित शर्मा एज कैप्टन चेंज हुए, आपका वो फिटनेस लेवल जो है डिटोरिएट होता हुआ दिख रहा है। बट खैर, हमने बात की काफ़ी टीम इंडिया के हवाले से। आई होप बहुत जल्दी जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर लें, बिकॉज एक फ्रटर्निटी में स्ट्रॉन्ग टीम होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन अच्छे होते हैं, कम्पिटिटिवनेस रहती है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइड टू वॉच जब आप क्रिकेट लवर हों। बट मूविंग ऑन फर्दर, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, सो इस वक्त पाकिस्तान टीम के लड़के जो हैं, दो के गर्मी बहुत है मगर लड़के जो हैं वो कैंप में मौजूद हैं और कैंप में जो है वो प्रैक्टिसेस चल रही हैं। एक बहुत ही एक अच्छा इकदाम है कि फास्ट बॉलर्स को भी साथ बुलाया हुआ है। इतना टाइम फ्रेम फास्ट बॉलर्स, बैटर्स, स्पिनर्स, अलग अलग तरीके से उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कितना पोटेंशियल किस में है। हैट्स ऑफ टू दी सिलेक्शन कमेटी एंड टू द पीपल हु हैव प्लान्ड आउट दिस कैंप, और इन लड़कों को वहाँ बुलाकर जो है बकायदा प्रॉपरली टेस्ट किया जा रहा है। वहीं पे इमाम जो है वो हमारे कोरेस्पोंडेंट के साथ मौजूद थे, कादिर ख्वाजा के साथ। सो सुनते हैं कि इमाम का क्या कहना है। टाइम मिला हमें, ये एक 1.5 महीने का गैप था, तो लड़कों की फ़िटनेस पे भी काम हो रहा है और लड़के जो प्रैक्टिस कर सकते थे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या चाहे श्रीलंका सीरीज़ हो, जिस जिसको अपने रोल्स दिए गए हैं कोचेज़ ने और उन पे वो काम हो रहा है। सैकी भाई का बिल्कुल अलग तरीका था, मिकी और ब्रैड का बिल्कुल अलग अलग तरीका है। सैकी भाई से भी मेरी बहुत अच्छी है, मिकी से कुछ पुरानी यादें भी बहुत अच्छी हैं, तो मज़ा आ रहा है। एज अ सीनियर प्लेयर जो है कोशिश होती है कि जितना ऑफर कर सकते हैं टीम को, जो डिमांड है आजकल की क्रिकेट की, चाहे वो टेस्ट है, वनडे, T20, जितना कोशिश कर सकते हैं हम सीखें भी। आई गेस अभी बहुत कुछ सीखना बाकी हम सब प्लेयर्स में। आजकल के क्रिकेट में अगर हमने अच्छी विकेट पे 350 करना है, 330-250, तो उसके लिए स्ट्राइक रेट आपको मेरे ख्याल से एज एन ओपनर 90 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, तो उस पे हम लगे हुए। मुझे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि वनडे एक तो हमारा मेरा पर्सनली फेवरेट फॉर्मेट है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम जो वनडे की बहुत स्टेबल है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नेशन को भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम से काफ़ी जो है उम्मीदें हैं, क्योंकि 4-5 साल से एक सेम पैटर्न से टीम खेल रही है और परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही हैं। एज अ फील्डिंग डिपार्टमेंट हमने एशियन कंडीशंस है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो कंडीशंस दोनों सूट करेंगे। रिजल्ट्स तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो टीम है जो है इंशाल्लाह जो है बहुत जान मारेगी। बिल्कुल, परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही हैं, मगर परफॉर्मेंसेज अच्छी आने के साथ साथ वो कहते हैं ना वो फाइनल टचेस, वो लास्ट फाइनल टचेस जो टीम पाकिस्तान क्या नहीं हो पाता, फाइनल तक पहुंच रहे हैं, मुसलसल फाइनल तक हमें रसाई मिलती है, बट फिर वो एक लास्ट टच होता है जिसमें हम रह जाते हैं और ट्रॉफी हमसे दूर चली जाती है। एशिया कप अब हमारे सामने, वो एक पड़ा पहला इम्तिहान, देन वर्ल्ड कप दूसरा इम्तिहान हमारे सामने होगा, और ऑब्वियसली भारत में जाके वो खेलना होगा, और ज़्यादा प्रेशर होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वेदर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अहमदाबाद में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उस पर हमें फर्दर ऑन पता चलेगा, बट इस वक्त हमें वही इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है, और वो इन्फॉर्मेशन मालूम करने के लिए हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो कादिर, सबसे पहले तो एशिया कप बहुत दिनों बाद, मतलब हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं एशिया कप की, अब एक दो दिन में जो है वो रिप्लाई आ जाएगा, मतलब रिप्लाई क्या, एक ऑफिशियल हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, हम वेट कर रहे हैं वो प्रेस रिलीज कब आएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि हाँ जी फाइनली दिस एशिया कप इज़ हैपनिंग। बट कादिर, आपके पास कोई खबर इसके हवाले से?
सवेरा मैं सुबह से ही जो है वो हम चुके ये हफ्ता अब गुजर रहा है और इस हफ्ते के आगाज़ से ही हम शुरू हो चुके थे, तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल से रबते में थे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के से रबते में थे। अलबत्ता आज जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हमें ये मिला है कि सुबह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स भी हैं, वो इस वक्त स्टैंड बाय हैं और कजाफी स्टेडियम में तमाम अफराद मौजूद हैं। शाम जो है वो अभी अब से कुछ देर बाद घंटे तकरीबन एक घंटा वेट करेंगे मजीद, वो सुबह से ही स्टैंड बाय थे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें कहा हुआ था कि आज उनको बाकायदा तौर पर शेड्यूल का और बाकी चीज़ों का ऐलान कर दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे ऐलान करेगा। तो अभी तक हमें भी जो है वो स्टैंड बाय रखा गया है, अभी तक ऐसी इतलात आ रही है कि आज जो है वो हो सकता है, नहीं तो कल जो है एक दो रोज़ में मजीद एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो होगा एशिया कप का जो शेड्यूल होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और इस हवाले से देखिए बड़ी पॉजिटिव साइंस से और बड़ी पॉजिटिव खबरें भी गुज़श्ता हफ्ते में मिली हैं कि हाइब्रिड मॉडल को बिलाखिर तस्लीम किया तमाम बोर्ड्स ने, तो तमाम बोर्ड्स ने हाइब्रिड मॉडल को पहले से ही तस्लीम कर लिया हुआ था, तमाम बोर्ड्स ने पाकिस्तान आने की हामी जो है वो पहले से ही भर चुके थे, ईमेल पे जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉजिटिव आया था। लेकिन सवेरा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो बीसीसीआई है, जे शाह है, वो इंडियन मीडिया के थ्रू मैनिपुलेट कर रहे थे चीज़ों को और मनफी चलवाना चाह रहे थे चीज़ों को, तमाम लोगों को ये तासुर देना चाह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो तमाम बोर्ड्स उस पर राजी नहीं है। आपने देखा आईपीएल के फाइनल में भी बाकी बोर्ड्स भी जमा हुए, अफगानिस्तान बोर्ड भी था, श्रीलंका बोर्ड भी था, बांग्लादेश के चूंकि सरबरा नहीं आ सके तो वहां पर जो है वो ये तय हुआ था। अभी भी जो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑथेंटिक जो जराए हैं हमें वो बता रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रीन सिग्नल दिया हाइब्रिड मॉडल के लिए, 4 से 5 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे और न्यूट्रल वेन्यू जो है वो फिर श्रीलंका होगा। अगर पाकिस्तान, ये भी इतलात है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में जाते हैं तो फिर श्रीलंका जो है वेन्यू होगा, अगर नहीं जाते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि फाइनल भी एशिया कप का जो है वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाए। और अभी तक जो है वो तमाम चीजें जो है, मैं आपको रोकूंगी ये फाइनल में, जरूर आपको रोकूंगी बिकॉज फिर हमें ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करनी पड़ेगी, बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद। बैक ऑन गेम सेट मैच, हमारे साथ हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा। कादिर, एशिया कप के हवाले से हम बात कर रहे थे और ये तो तय हो चुका कि हाइब्रिड मॉडल पे अग्रीमेंट है सबका, है सबका, लेकिन फाइनल के हवाले से आप कह रहे हैं कि फाइनल हो सकता है, अगर इंडिया की टीम नहीं पहुंचती फाइनल में तो वो फाइनल पाकिस्तान में हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। उस पर एक तो हमें ये बताएं कि आया ये वाकई होने वाला है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बिग न्यूज़। अगर पाकिस्तान का फाइनल होता है तो बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी वो फाइनल एशिया कप का पाकिस्तान में देख सकेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ब्रॉडकास्टर्स आपके पहले पाकिस्तान में कवरेज करेंगे, फिर वो श्रीलंका जाएंगे, फिर वो वापस आके यहाँ पे कवरेज करेंगे और ब्रॉडकास्टर्स हमें पता है कि दे हैव अ से ऑन सच इवेंट्स, कि अगर लॉजिस्टिकली उनको इशू हो रहा है तो वो एड्रेस होना ज़रूरी है। सो हमें आगाह करें क्या होने वाला है, हाइब्रिड मॉडल अग्री होता है, फाइनल क्या पाकिस्तान में होगा अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं होती? आवाज़ का कुछ इशू हो रहा है, वी कैन नॉट हेयर कादिर प्रॉपरली। कादिर, आपकी आवाज़ जो है हमें प्रॉपर नहीं आ रही है, थोड़ा सा ज़रा वहाँ पे कुछ इशू हो रहा है। जी हेलो, आवाज आप सुन सकते हैं जी, मुझे जी, हेलो जी जी, कादिर, सुन सकते। आप बताइए जी। फैसल, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि इसमें लॉजिस्टिक मसाइल का जो मसले हैं वो पेश नहीं आ सकते, क्योंकि आप देखिए कि जो ICC का कैलेंडर है 2026-27 तक, वो दो दो ममालिक पे मुश्तमिल है, कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पाकिस्तान में जब जो ब्रॉडकास्टर्स कंपनी है, जो प्रोडक्शन वाली कंपनी है, उनको तैयारी का कह दिया गया है और ये हमें ज़राए ने बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो बाकी जो जो राइट्स दिए हैं ब्रॉडकास्टिंग के, उन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने पाकिस्तान की प्रोडक्शन कंपनी के साथ रबते में है और वहाँ पर तमाम तर चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पर PSL में भी आपने देखा कि हुआ, PSL में भी कहा जा रहा था कि इतने वेन्यूज़ को इकट्ठे तौर पर करवाना, लाइव ब्रॉडकास्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सब कुछ हो जाता है और इसमें कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। श्रीलंका में अगर होता है फाइनल पाकिस्तान इंडिया का तो फिर वहाँ पर ही रुक जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजवीज़ भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि जो 4 से 5 मैचेस करवाने, 4 के जो लीग मैचेस होंगे, राउंड मैचेस होंगे और एक जो मैच है, मतलब 5वां जो मैच है, वो यहाँ पर फाइनल करवाया जाए। तो ये भी बड़ी अच्छी
अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो एशिया कप का जो फाइनल है उसको होस्ट करे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये बड़े चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसका फाइनल एशिया कप का यहाँ पर होस्ट करे। तो आप ये देखें कि सिर्फ भारत जो है वो मसले मसाइल पेश करता है, भारत को ही तकलीफ आती रही है, बाकी किसी बोर्ड को कोई मसला नहीं दरपेश आया, किसी बोर्ड को कोई मसले मसाइल नहीं हुए। उन्होंने तो हालांकि पहले से ही ईमेल पर कह दिया हुआ था कि पाकिस्तान आने को तैयार है। आप ये देखें कि उनके पास लॉजिक क्या है कि पाकिस्तान नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो तमाम बड़ी टीमें हैं, न्यूजीलैंड, वो पाकिस्तान आ चुकी हैं, बांग्लादेश इवन पाकिस्तान आ खेल चुकी है, श्रीलंका पाकिस्तान आ खेल चुकी है, वेस्ट इंडीज़ आई है, वर्ल्ड इलेवन आई, PSL के पूरे जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान हुए, और PSL ऐसा जो मुझे नहीं लगता कि कोई मसले। ठीक है, ठीक है कादिर, कंटिन्यू। सो कादिर, वर्ल्ड कप की बात, अब जरा अब एशिया कप से हटके अब हम वर्ल्ड कप के अगर ऊपर आते हैं और वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ड्राफ्ट स्केड्यूल तो जो है वो सारे मेंबर बोर्ड्स को भेज दिया गया ICC की तरफ से, जो BCCI ने ICC को भेजा। अब जो है जो वापसी है उस ड्राफ्ट स्केड्यूल को एक्सेप्ट करके वापसी की, उसके हवाले से कोई खबर है आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो वापस भेज दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उस ड्राफ्ट स्केड्यूल को, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई रिजर्वेशन है? देखिए, जो ICC के दो बड़े आए थे, ICC के चेयरमैन आए 19 साल के बाद, और उसके बाद उनके CEO भी पाकिस्तान आए, दो दिन जो है वो मीटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने सैर व तफरी भी की, काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया हमसाये ममालिक की जानिब से कि पाकिस्तान में आए हैं और चीफ जो है वो चेयरमैन ICC वो यहाँ पर सैर व तफरी करके और रवाना हो गए वापस दुबई में हेडक्वार्टर में ICC के। ऐसी कोई बात नहीं है, दो दिन में बड़ी अहम मुलाकातें, मीटिंग्स भी हुई हैं, हमने इसकी स्टोरी भी की थी, हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी भी यहाँ पर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे दो टोक गुफ्तगू की है और वो चाहता है पाकिस्तान के जो हम अहमदाबाद वाला स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में अभी शेड्यूल भी जो प्रपोजल भेजा है ICC ने मुख्तलिफ बोर्ड्स को, वहाँ पर हम मैचेस ना खेल सकें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम लोग अपने मैचेस ना खेल सकें, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का और भारत का जो 15 अक्टूबर को जो मैच शेड्यूल रखा गया है, प्रपोजल भेजा गया है, वो वहाँ पर अहमदाबाद में रखा गया है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़े से तहफ़ात थे, और जो कि ICC के जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी बताया गया, एलरडाइस को भी बताया गया, ग्रेग बार्कले को भी बताया गया। तो इस हवाले से अभी जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान कहा गया था कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा, लेकिन वो भी गुजर गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई और इंडिया हार गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप का शेड्यूल बाकायदा तौर पर अनाउंस नहीं किया जा सका। ICC के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे हमारी बात हुई है, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, उनका यही कहना था कि इसी जो अभी आइंदा आने वाला हफ्ता है उसके दौरान या इस रवां हफ्ते के दौरान जो है वर्ल्ड कप का शेड्यूल बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ये तर्जुमान ICC की जानिब से हमें ये मौका सामने आया है कि इस रवां हफ्ते या अगले हफ्ते जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी तक अंदरूनी जो मामलात हैं वो थोड़े से परेशान हैं, चेयरमैन और मैनेजमेंट कमेटी, उस वजह से थोड़ा सा गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा, ICC के साथ रबता नहीं किया जा रहा, मुख्तलिफ जो है वो जो तजवीज़ दी गई थी अहमदाबाद स्टेडियम में ना खेलें उस पर जो है वो अभी फ़िलहाल गौर नहीं किया जा रहा। अभी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस पर ज़्यादातर तरजीहत में शामिल किया गया उसको, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ICC जो चीफ आए थे, चेयरमैन आए थे, उनके साथ जो दो डोक अल्फाज में गुफ्तगू हुई थी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी की, मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने ये कहा था कि ICC के चेयरमैन को कि पाकिस्तान भारत में अगर वर्ल्ड कप में जाएगा, शिरकत करेगा, ज़राए हमें ये बताते हैं कि नजब सेठी ने ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिया, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि अहमदाबाद में और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। अब देखें कि ICC जो है वो तसल्लियाँ तो यहाँ पर देख गया था, और उन्होंने कहा भी था, श्योरिटी दी थी कि हम जाकर BCCI से भी रब्ता करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि वो होस्ट है, इंडिया होस्ट है वहाँ पर इस वक्त वर्ल्ड कप 2023 का, वनडे वर्ल्ड कप का, तो इस वजह से अब थोड़ी सी ये वाली चीज़ें रह गई हैं, बाकी जो दोनों मैच उनका शेड्यूल जो प्रपोजल भेजा वो तो सब कुछ। कादर, इंटरनल मामलात की आप बात कर रहे हैं, जल्दी से मुझे जरा इस इंटरनल मामलात के हवाले से बता दीजिए, बिकॉज एग्जैक्टली एक हफ्ता रह गया है 21st जो कि जहां पे ये जो है टाइम फ्रेम ख़त्म हो जाता है और मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको इलेक्शंस करवाना ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से आज एक डोमेस्टिक का ड्राफ्ट भी जो है वो सामने आया कि डोमेस्टिक सेटअप कैसा होगा, कितनी टीमें Grade 1, Grade 2 खेलेंगी। सो बहुत तेज़ी से आपको लग रहा है कि काम होता हुआ उस पर दिख रहा है, इलेक्शंस जो होने हैं और इलेक्शंस आपको लगता है टाइमली ये मैनेजमेंट कमेटी करवा लेगी, सिर्फ नॉमिनीज का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्चुअली कौन वो दो नॉमिनीज होंगे?
देखिए मुझे जहाँ तक इतलात मिली है कि वज़ीर आज़म हाउस से नॉमिनीज का जो है वो दो जो अफराद की नॉमिनीज आएगी वो एक से दो रोज़ में मतवक्के है और वो आएगी अभी जो है वो सोचो विचार भी चल रही है। जो ज़राए हमें बताते हैं वो ये था कि शहबाज शरीफ ने चूँकि अहतमाद का इजहार किया था, खबरें भी ये चली और काफ़ी हद तक जो है वो नजम सेठी जब भी उनसे बात हुई है तो वो इत्मीनान का इजहार करते रहे हैं इस हवाले से, और दूसरी जानब जो है वो पीपल्स पार्टी इस वक्त डट खड़ी हुई है कि ज़का अशरफ जो है वही चेयरमैन होंगे। आईपीसी मिनिस्टर का ये बयान जो है वो बड़ा काबिल फिक्र है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है पीडीएम है उन्होंने हमारे साथ एक मुआहदा किया था कि आप जो है वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर मदाखलत नहीं करेंगे। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मांगी थी लेकिन पीएमएलएन और पीडीएम ने इनकार कर दिया था देने से, तो इसलिए अब वो आईपीसी मिनिस्टर कहते हैं मजारी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमारे पास है पीपल्स पार्टी के पास है, लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी हमारा तैनात किया जाए। अब इस हवाले से एक दो रोज़ में ये फैसला मतवक्के है। नजम सेठी जो हैं वो जब लंदन गए थे उसके बाद इंग्लैंड जब गए थे लफ़्ब्रा यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा करने, उस वक्त उनकी ज़राए हमें ये बताते हैं कि नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो उस वक्त उनसे भी बातचीत हुई थी, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात में इत्मीनान का इजहार किया था जिसमें इसहाक डार भी मौजूद थे। तो उस वक्त अब जो ये चीज़ें हैं तो उनको नजम सेठी को ये रोल दिया गया था कि 120 दिन के अंदर आपने 2014 का आइन जो है उसको बहाल करना है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करनी है, आपने इलेक्शंस करवाने हैं, लिहाजा इनसे गलती और कोताही ये हुई है कि 120 दिन के अंदर इन्होंने इजी लिया सब चीज़ों को और 120 दिन के अंदर ये करवाने में नाकाम रहे। तो उसके बाद अब जो है वो 21 तारीख को इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो उससे तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल नॉमिनीज आ जाएंगी और तमाम तर कहानी बयान हो जाएगी। मुस्तफ़ा रमदे हमें ज़रा बताते हैं के उनका नाम भी दिया जाएगा और पैटर्न इन चीफ जो है अभी फिलहाल पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि नजम सेठी का ही नाम जो है वो चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया जाए। कादिर, ये जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं वो इतने संगीन हैं और ये ऐसा क्रिटिकल टाइम है जहां हमने एशिया कप पे भी डिसीजन लेना है, बहुत सारी चीज़ें अलाइन होनी है, वर्ल्ड कप पे भी हमने जैसे नजम सेठी साहब ने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप के लिए तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, लेकिन अगेन हम ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं जाना चाहिए लेकिन हम एक स्टांस लेते हैं फिर हमें उससे पीछे आना पड़ता है। अब मामला ये है कि हमने कहा है कि हम अहमदाबाद में जाके मैचेस नहीं खेलना चाहते लेकिन हमारी तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं जा रहा कि जब स्केड्यूल आया है तो हम ये नहीं करेंगे। सो आपको लगता है कि अंदरूनी मामला जो है वो इवेंचुअली आपको अफेक्ट करेंगे कि आगे दोनों इवेंट्स में आपकी बात मानी जाएगी या आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? देखिए, अगर आपको याद हो तो शहरयार खान के दौर में भी हमने भारत के ख़िलाफ़ केस किया था कि हम जाएंगे तो वो भी आएंगे, हम गए लेकिन भारत नहीं आया, तो इस वजह से हम उस केस को भी हारे थे। और नजम सेठी जो हैं वो लेकिन बार बार ये कहते रहे हैं कि हम लोगों ने सही तरह उसकी जो केस है उसकी पैरवी नहीं की थी, इसलिए हमें शिकस्त का सामना हुआ था जब भारत के साथ हम केस आ रहे थे और काफ़ी जो डॉलर्स थे हमें उनको देना पड़े थे। आपको याद हो कि अगर जो पीएफएफ है उसकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी इसी वजह से बनाई गई कि उसमें सियासत की मुदाखलत हुई। आपने देखा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसी वजह से तबाह बर्बाद हुई, उनके पास आज फंड के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो सेक्रेटरी जनरल उनके फंड्स की तलाश में और उसी वजह से वो सियासत की जो है वो शिकार हुई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद अदारा था जो काफ़ी अरसे से हमने देखा आ रहा था कि पैटर्न इन चीफ जो है वो नॉमिनेट करते थे और वही जो है वो नामजद होते थे, चाहे वो एहसान मानी हो, रमीज राजा हो, उसके बाद पहले नजम सेठी हो, उससे पहले ज़का अशरफ हो, या जो भी चेयरमैन आता था वो नॉमिनेट होता था, सीधी तरह उसका नॉमिनेट करते थे पैटर्न इन चीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता था उसके। अब जो ये वाला सिलसिला है ये एक तरह की जिद्दबाजी बन चुकी है जो पाकिस्तान पीएम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक ख़ास तौर पर जंग शुरू हो चुकी है चेयरमैनशिप के लिए। तो ज़का अशरफ भी अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं, एहसान मजारी से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने एहसान मजारी ने उनको बैक किया आईपीसी मिनिस्टर ने, लेकिन जो पैटर्न चीफ हैं वो हक में नजम सेठी के। तो ये अंदरूनी मामला जब तक हमारे हल नहीं होते, जब तक उसमें सियासत इन्वॉल्व है तब तक हम कोई भी डिसीजन लेने के अहल नहीं है और डिसीजन नहीं ले सकते। इंडिया देखे, इंडिया जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई है वो हमें इस वक्त कमज़ोर समझ कर मुख्तलिफ तरीक़ों से वार करवाता है, वो अपने मीडिया से कुछ भी जो है वो खबरें चलवा कर पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश। मुझे लगता है जल्द से जल्द हमें हाउस इन ऑर्डर रखना पड़ेगा कादर, क्योंकि अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, वो कहते हैं ना कि जब अपनी ही दीवार कमजोर तो कोई भी उसको धक्का मारे तो वो गिर जाएगी, तो अपनी दीवार को पुख्ता और मजबूत करना होगा। बट कादर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑल एंड जॉइनिंग इन टू द
टू आवर शो। और अब जो है जब हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अच्छा कर पाएगी, होगा नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, जाएंगे अहमदाबाद में खेलेंगे नहीं, वो तो देखा जाएगा जब वक्त आएगा, मगर पाकिस्तान टीम क्या इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर पाएगी। सो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन टेस्ट क्रिकेटर, उनका क्या कहना है यूनुस खान साहब का, सुनते हैं। हमारी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग, और उसके बाद अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग में भी हमें कम से कम 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको ऑन द डे जिता सकते हैं। आपके पास एज अ कैप्टन, एज अ मैनेजमेंट, आपके पास 2 से 3 प्लान होने बहुत ज़रूरी। पाकिस्तान बहुत कैपेबल है कि अपकमिंग वर्ल्ड कप वो जीत सकते हैं। मेरा दुनिया के क्रिकेट में नाम हुआ है तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से ही हुआ है, तो मेरे ख्याल से प्रमोट करें और इंडिया पाकिस्तान को दोनों को मिल बैठ के इस पर कोई लयमल अख्तियार करना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से तो शदीद ऐसा भरपूर नाम होता है। वो कहते हैं ना फैसल, रातों रात अगर स्टार बनना है तो इंडिया के मैच के अगेंस्ट जो है वो कुछ करके दिखा दो। सो एक लड़का कोई भी रातों रात स्टार बन जाता है, और वो भी इंडिया में खेला गया हुआ मैच हो तो और अच्छी बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये करके दिखाया है। अगर आप पिछले एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में देखें, पाकिस्तान हैज डन मच बेटर देन इंडियन टीम। एग्जैक्टली, सो नाउ द अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर अदर प्लेयर्स। यस, एंड मे बी दिस इज द रीजन कि कॉम्पिटिशन लेवल, वो कहते हैं ना, क्योंकि हम इतने अरसे से मुसलसल जो है वो ICC इवेंट्स में जीत नहीं पा रहे थे इंडिया से, एंड देन वो कहते एक टर्न अराउंड किया हमने और अब वो कॉम्पिटिशन लेवल आपको दिख रहा है, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वरना हर दफ़ा ही होता था, इवन पाकिस्तान जब जीता भी, वी टॉक अबाउट चैम्पियंस ट्रॉफी, वन साइडेड होता था मैच, या तो इंडिया जीत रहा है तो वन साइडेड जीतता था, पाकिस्तान जीत रहा है तो वन साइडेड जीतता था। मगर पिछला अगर मैं अभी वर्ल्ड T20 की बात करूं, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला MCG बिल्कुल एज पे आके, सो यस, इसी तरह के मुकाबले का जो है वो सबको इंतज़ार रहेगा, वर्ल्ड कप का इंतज़ार और उससे पहले एशिया कप की। अब हम सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी वो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ और कब हमारे सामने जो है ये सारे डिसीजन आएंगे। बट विद दैट, गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे है, और सवेरा और फैसल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। What the?